अस्सलाम वालेकुम, आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। एक दिन के गैप के बाद वापस कराची आया हूँ। शक्कर गया था, बूढ़ा आदमी जल्दी थक जाता हूँ। तो मोरू, आपको सबको पता है बुशरा बीबी आज रिहा हो गई हैं, जो कल रिहा होनी थी। और मैं अभी एक पीटीआई में और बड़ी लड़ाई देख रहा हूँ, उस पर बात करेंगे। खास आपसे आज बुकला की मुलाकात हुई है, फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी, शुएब और अकरम, सलमान अकरम राजा और दूसरे भी होंगे। अच्छा, मुझे सलमान अकरम राजा पे ना बहुत रहम आता है विचारों पर, उस पर थोड़ा सा भी आज तबसर करूँगा। और अमेरिका में एक बार फिर कांग्रेस और सेनेट के 60+ अराकीन ने बाइडन को खत लिखा है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का जो इशू है उसके पसमंजर में बाइडन अपने एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना अपनी पॉलिसी बनाए नई, और बानी तहरीक की रिहाई को मुमकिन बनाया जाए, और जो अमेरिकन पाकिस्तान में है डिप्लोमेट्स वो किसी सूरत से खास आपसे मिले, उनकी जिंदगी की हिफाजत की गारंटी ली जाए। तो मुझे बड़ी ऐसी खबर पड़ गया कि यहाँ तो ये बहुत बड़ा वाक्य हो जाता है ना, तो वहाँ ये कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। इलेक्शन के दिन में कॉन्स्टिट्यूंसी में पाकिस्तानी थोड़े बहुत रहते हैं, फिर पैसे वाले रहते हों 5,000 भी, अगर कांग्रेस में उनको दो बंदों ने भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में चंदा दिया 10,000 रुपये बिग अमाउंट, वो पाकिस्तान नहीं है कि मिलियन मिलियन भी खाए जाओ और फिर भी कहते हैं यार कम पे ये थोड़ा पे ये यार और मिलना चाहिए सी। तो 20,000 में तो खुशी से नाच रहे होते हैं, और फिर वोटर भी हैं थोड़े बहुत, जो भी जितने भी हैं, टाई है, मुकाबला है, तो लूज किसी को नहीं करना है। और क्या जाता है, एक साइन ही करना है ना, कोई स्पॉन्सर भी मौजूद हैं। मैं आपको कोई स्पॉन्सर पढ़ के बताता हूँ, आप बहुत इंजॉय करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो मुझे खुद भी बड़ी हैरानी हुई देखने के बाद कि ये कौन लोग हैं। ये जनाब, ये मैं आई एम सॉरी, एक मिनट लूंगा मैं। ये इस जो खत गया है बाइडन को, उसके कौन को स्पॉन्सर है, फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स अलायंस। क्या नाम है? फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स अलायंस कम्युनिटी अलायंस, हाँ वो दूसरा है। मैंने इसको बहुत तलाश किया तो इसका एक पेज मिला वेबसाइट का, जिस पर कोई क्लू नहीं ये कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, और ना मैंने जिंदगी में इनका नाम सुना। फिर मैंने अपने कुछ साथियों को फोन किए जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो वो भी हंसने कहने यार आपको तलाश करने की जरूरत क्या पड़ी थी, आपको नहीं पता है। फिर दूसरा नाम है कम्युनिटी अलायंस फॉर पीस एंड जस्टिस, तीसरा है पाकिस्तान डेमोक्रेसी कंपेन एंड डी कोलिशन टू चेंज US पॉलिसी ऑन पाकिस्तान कस्ट। ये 4-5 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी, एक के अलावा किसी का कोई गूगल पर कोई वजूद नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई ऑफिस बैरर नहीं है। ये खुद पीटीआई वाले ही हैं, यही डॉक्टर हैं, पाक पैक वाले, जो डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए डोनाल्ड ट्रंप को इंडोर्स कर रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कि मैं फौज को भी कंट्रोल कर लूंगा, और प्रेडिक्शन दी जा रही है कि ये शायद आखिरी इलेक्शन हो, तो वो इलेक्शन ही नहीं होने देंगे, और अभी भी गिरफ्तार पड़ेगा आने वाले दिनों में देखिएगा। तो ये शहबाज गिल, ये मोहित पीरजादा वहाँ बैठे हुए हैं और जो हरकतें कर रहे हैं वो सबको पता है। अच्छा, फिर कहते हैं कि जी तारीख में ऐसा कोई जुल्म नहीं हुआ कभी, तारीख में जो पीटीआई के कारकुनों पर खान पर जुल्म हो रहा है ऐसा आज तक जुल्म नहीं हुआ। ये अभी शुएब शाहीन भी कह रहे थे और फैसल भी कह रहे थे कि पहले तो मैं बता दूँ कि खासा को बताया कि वो खासा को ये भी नहीं पता था कि 26 अमेंडमेंट आ चुकी है। उन्होंने बड़े दुख का इजहार किया और शाहीन पर हमला करार दिया, मगर याहिया पर, अफरीदी पर, जो नॉमिनेट जज चीफ जस्टिस हैं उन पर कोई चर्चा नहीं किया। उन पर कैसे करेंगे, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ उन्हीं की अदालत में पिटीशन डाल रहे हैं
कि ये तरमीम गलत है, ये है आपकी जो नॉमिनेशन है वो भी गलत है। तो अब देखें क्या होता है। मंसूर अली शाह ने खुशखुशी बेंच में बैठने से इनकार कर दिया है, वैसे भी उम्र पे जा रहे हैं, और चीफ जस्टिस जो हैं फाइजी साहब, आज उनका कल आखिरी दिन है, आज उन्होंने किसी केस में कहा दिया है कि एक दिन और बर्दाश्त कर लें। और जस्टिस मंसूर अली शाह से लेकर बाकी तमाम जजेस के चैम्बर में गए हैं याया अफ्राई जी, और मंसूर अली शाह के स्टाफ ने तो मुबारकबाद दी, मंसूर अली शाह की मुबारकबाद का नहीं आया। बाकी 80% जजेस अब तक मुबारकबाद दे चुके हैं। ख्याल ये था कि कुछ जजेस इस्तीफा देंगे, नहीं भाई, कि लंबी लंबी तनख्वाहें कौन छोड़ता है, फिर पेंशन लंबी लंबी, क्योंकि मलाई ने कोई जो सीख लिया होगा ना कि पेंशन भी खा ली जाती है, अब तो एक जुडिशियल उसमें रेफरेंस आएगा और मार पड़ेगी और खेल ख़त्म हो जाएगा। आखिरी मुद्दत की अयाशियाँ, प्रोटोकॉल, गाड़ियाँ, चपरासी, मुशक्कती, वो कहाँ से मिलेगा? तो सब नॉर्मल है। और अभी देखिएगा कि मिस 4-5 के साथ क्या होगा, क्योंकि ये तमीम ऐसे तो नहीं आई ना, इसी अदालत से मैसेजेस आ रहे थे कि बस 25 अक्टूबर गुजर जाए, यानी कि फाइल ऐसा चला जाए फिर बताएंगे। तो जो हुआ दुरुस्त हुआ है, अगर ऐसा सब ये सब कुछ सच है, और वो सबसे ज़्यादा पागल हुआ हुआ है क्या नाम है अथर मैनला, जो ड्राइवर था आज तक हाथ का, तो उसका चीफ जस्टिस का नंबर नहीं आ गया। और अब देखिएगा सब सीधे हो जाएंगे, 40-40 लाख रुपये तनख्वाह मिलती है, और जो प्रोटोकॉल है, जो फैसिलिटीज है वो अलग है। अच्छा, तो बहरहाल खासा एक तो आप ये देखें कि तब्दीली क्या है, कि पहले कहा जा रहा था निकाला क्यों, अब कह रहा है मुझे निकालो, और वो निकालने में कोई भी तैयार नहीं है। वो मरवत की किस्से सुने और जो फूट है आपस में इनकी, वो सारी अगर मैं जमा करके देखता हूँ ना, तो फिर जो खान साहब की अयाशियाँ हैं, अच्छा खान साहब को 18वीं 26 तरमीम का अमेंडमेंट का पता ही नहीं है, जिनको दो मुल्क के मायनाज अखबार पढ़ने को दिए जाते हैं, मतलब टाइम नहीं है ना उनके पास एक्सरसाइज करने से, पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। तो जो इन पर जुल्म हुए हैं, ये जरा ध्यान में रखें, इन पर जुल्म क्या हुए हैं, अभी तक किसी को सजा नहीं हुई, किसी को कोड़े नहीं पड़े, याद है पीपल्स पार्टी के दौर में, जावलक के दौर में फांसियाँ 5 या 6 तो फांसियाँ थी, टिकटिकियाँ लगा के कोड़े, जेलों में हजारों की तादाद से लोग कैद थे, फिर MRD की मूवमेंट में पटीजन से लेकर ठट्टा सांगड़ तक गनशिप हेलीकॉप्टरों से जो शेलिंग हुई थी उसमें कितने लोग मारे गए थे पूछें, और इन यूथियों को बताएं कि इस मुल्क में ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये ह्यूमन राइट्स ओवरसीज पाकिस्तानियों को, अमेरिका यूरोप में बैठे हुए लोगों को, आज खान के इश्क में जब अल्लाह माफ़ करे कि एक बड़ी अफसरी कहती है अगर हमारी बहन बेटी जाके सो जाए उसके साथ तो क्या फर्क पड़ता है। आप इससे अंदाज लगाएं कि इस माशरे की मोरलिटी कितनी चेंज हो गई है, कि अब लोगों को ये केयर नहीं कि बहन कहाँ जा रही है, बेटी कहाँ जा रही है, माँ कहाँ जा रही है, और बड़े फखर से कहते हैं शादी करना चाहें तो कर लें, वो शादी हो भी गई, आपने देखा कि भाई को प्राइम मिनिस्टर बनना है, 5 बच्चे छोड़ के, मैं बोलना नहीं चाहता उस पर ज़्यादा, मगर इस मुल्क में सोशो पोलिटिकल वैल्यूज मुकम्मल चेंज हो चुकी है, तहजीब व तमद्दन का कोई वजूद नहीं है। अगर मैं इस पर गुफ्तगू करूँ ना तो कई घंटे बोल सकता हूँ। MKM के खिलाफ जो ऑपरेशन हुए उसमें लड़कों को गलियों में दौड़ा कर मारा, उनके बहन भाइयों माँ बाप की मौजूदगी में, प्यारों के दोस्तों के, कोई दरवाज़ा नहीं खोलता था, और वो चिल्लाते थे खुदा के लिए बचा लो, और बस बूटों की धमक की आवाज़ आती थी, वो बूट जिनको पहनकर ये बताया जाता है कि इस माशरे में तरक्की होगी। कभी आपने ज़िंदगी में सुना कि बूट पहनकर आप कभी भागे हो? जब भी दौड़ होती है तो बूट ताक दिए जाते हैं, मगर इस माशरे में बूट पहनकर दौड़ने की मुहिम चली हुई है और कहा जा रहा है तरक्की होगी। तो वो आपके सामने जिस बार मैं गुफ्तगू कहीं और कर रहा था कि जिस तरह MKM के लोगों को मारा गया, मुझे नसीरुल्लाह बाबर ने, मेरा अल्लाह जानता है, मेरा ज़मीर जानता है कि मैं कितना झूठ बोल रहा हूँ कितना सच, मेरे घर में बैठकर चाय का सिप लेते हो कहा, हाँ ये स्टेट की पॉलिसी थी कि MKM का पता चल जाए लड़का MKM का तो देख के गोली मार लो, और कितने मारे लोग कराची वालों से ना, नार्थ आजमाबाद के लोगों से,
कहीं फहीम कमांडो से लेकर फारूक, वो क्या नाम था उसका, पूरा नाम भी मुझे याद नहीं है, बस ये इंसानी ज़िंदगी किसी ने कितनी कुर्बानी दी हो हम भूल जाते हैं, फारूक समथिंग नाम था जिसे बेदर्दी से मारा था फारूक, फहीम कमांडो के भाई को, उसको किस तरह सड़क पे बांध कर, और बाद में बताया गया पुलिस मुकाबला तो यहाँ रोज होते हैं ना, और डाकुओं का सड़क पहुँचाते हैं, उनसे रवाबित रखते हैं, उनसे तल्ले डालते हैं छुड़वाने के लिए, या ताकत का तवाज़ुन ताकत से बरकरार होता है। तो इन यूथियों को कोई जाकर बताया, मुझे आज बहुत गुस्सा है कि जनाब ऐसा जुल्म कभी नहीं हुआ। भाई ये जुल्म तो 77 साल से ये रियासत खड़ी जुल्म के ऊपर है, आप कहते हैं जुल्म नहीं हुआ, बलोचों के साथ क्या हुआ, या जो आओ ये जो दहशतगर्दी की जंग है, ये दहशतगर्द बने कैसे, उस कहानी को तो पढ़े ना। वही ये कहते हैं कि इनके साथ जुल्म हुआ है, ये कंधे पे बैठ कर आए, और जब कहा भाई अब तुम चले जाओ तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, दोबारा कभी देखेंगे नहीं जी, हमें कैसे उतार सकते हो तुम। तो अमरीका ने साजिश कर दी, फौज ने साजिश कर दी, आज उस अमरीका के तल्ले डाल रहे हैं, खत लिखवा रहे हैं, खुश होते हैं, खबर चलवाते हैं, और समझते हैं कि बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी। और इनकी ज़हनी हालत क्या हो चुकी है, इनके एक दानिश्वर के छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, देखें कि अब इनके पास कुछ कहने सुनने को नहीं रह गया है, तो अब ये कहते क्या है। पंजाब की एक ऐसी शख्सियत तो है ना जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि उनका बच्चा 9 महीने के बजाय 6 महीने या 5.5 महीने के बाद पैदा हो गया था, तो क्या बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी कि इस्लामाबाद, लेकिन जब बात हो गई है 6 महीने के अंदर बच्चा पैदा होने वाली, तो पंजाब की एक ऐसी बहुत मशहूर शख्सियत ऐसी भी गुजरी है, पंजाब के एक बहुत मशहूर ताकतवर चीफ मिनिस्टर होते थे किसी जमाने में, जो अफेयर लड़ाया करते थे सरकारी गाड़ियों के अंदर, और ये जो सड़क है ना इसे कहते हैं जो फिरोजपुर रोड है, इसके ऊपर जो मॉडल टाउन और गुलबर्ग के दरमियान में है, उसके ऊपर सरकारी प्रोटोकॉल के साथ गाड़ियों में पप्पियां किया करते हुए जाया करते थे। उस जमाने में सिविल सर्वेंट बताते हैं कि आगे भी सरकारी गाड़ियां चलती थी, पीछे भी सरकारी गाड़ियां चलती थी पुलिस की, और ये बेशर्म शख्स वहां पर उस गाड़ी के अंदर भी अपना अफेयर लड़ाता था और लोगों के घर तोड़ा करता था, और पाकिस्तान का एक बहुत ही मशहूर रिस्पेक्टेड कैरिज्मेटिक, ऐसा कपल कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं गुजरा था जिसका इसने घर जो है वो बर्बाद कर दिया अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल करके। खामन को कॉन्ट्रैक्ट देता था, बीवी के साथ अफेयर लड़ाता था, फिर बाद में इसी जोड़ी जो तोड़ी, उस जोड़ी के एक टूटे हुए हिस्से ने 2017 में इस शख्स से अपना बदला भी लिया। अब जो समझ सके उसका भला, जो ना समझ सके उसका भला। फिर ये जो इतनी मशहूर शख्सियत गुजरी है, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इस मशहूर शख्सियत का एक दूसरा भाई भी है जो इससे भी ज्यादा घटिया और कमजोर है इस मामले में। उसने सारी उम्र कभी भी अपने जोरे बाजू में किसी औरत से उसको कुछ कहने की महफल हिम्मत नहीं हो सकी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी, आदमी ऐसे होते हैं जिनकी शख्सियत में, जैसे इमरान खान है, जिनकी शख्सियत में इतनी मकनातीसी ताकत होती है कि वो औरतों को इम्प्रेस करते हैं सारी उम्र, लेकिन कुछ ऐसे बेचारे नाकाम आदमी होते हैं कि उनको सरकारी लाव लश्कर भी चाहिए होता है, उनको गाड़ियां भी सरकारी चाहिए होती हैं, सरकारी खर्चा भी चाहिए होता है, तोहफे भी चाहिए होते हैं, बड़े बड़े घर भी चाहिए होते हैं, पता नहीं बहुत महंगे ट्रिप भी चाहिए होते हैं, फिर जाके कोई औरत जो है उसको वो कर सकते हैं। तो ये जिस दूसरे शख्स की मैं बात करने वाला हूं, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, ये वो एक कमजोर तरीन आदमी है जिसने सारी उम्र अपनी सबऑर्डिनेट अफसरों के साथ और अपने सबऑर्डिनेट अफसरों की बीवियों के साथ अफेयर लड़ाए। यानी आप अंदाजा लगाएंगे जो सबसे बड़ा जुर्म हो सकता है मॉडर्न पोस्ट इंडस्ट्रियल, यानी मॉडर्न जो सोसाइटी है, जो डेवलप्ड दुनिया है, कि आप अपनी एक सबऑर्डिनेट औरत से जो आपके नीचे काम करती है या जिसका खामद आपके मातहत काम करता है, उस औरत के साथ अपनी ताकत, अपनी सरकारी ताकत का या अपनी कॉर्पोरेट ताकत का इस्तेमाल करते हुए आप अफेयर लड़ाते हैं, ये वो घटिया शख्स है यहाँ की सियासत का। और इसका एक इंसिडेंट तो ये भी है कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, मेडल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, वहां इसको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। 21 साल की 22 साल की एक लड़की को जब ये मेडल पहना रहा था, उसने सर अपना नीचे किया, वहीं इसको उससे मोहब्बत और इश्क हो गई, और इसने वहां पर भी, उसके पेरेंट्स गरीब थे, उनको निकाहनामा देके उससे जो है वो, ये अच्छा निकाहनामा दख के अकद कर लिया। अच्छा अब ये जो निकाहनामे कहते हैं, जो पुलिस ऑफिसरों से मुझे पता चला कि इस शख्सियत ने पता नहीं कितने इस किस्म के अकद और निकाहनामे किए, तो बात क्यों नहीं खुलती, इसलिए कि मॉडल टाउन या लाहौर के गुलबर्ग के अंदर, स्पेशली मॉडल टाउन में, ये डिफेंस के अंदर एक घर जो है वो किराए पे लेके उस लड़की को दे दिया, अपना काम पूरा कर लिया, बाद में कभी नजर नहीं आए, कुछ अरसे के बाद पुलिस के जरिए घर वालों को मजीद सेटलमेंट की और उनकी झंडी कर दी, और ये पूरा प्रोसेस जो है ये पंजाब की बदनसीब तारीख के अंदर बार बार होता रहा।
इस इंपॉर्टेंट, ये बड़ी अहम शख्सियत है पाकिस्तान की, इसके साहिबजादे ने भी यही काम सीखा, उन्होंने भी इसी किस्म के कई निकाह किए और वो अकद करके उन्होंने रख लिए, तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। ये भी आपके जहन में सवाल पैदा होता होगा कि जो कुछ मैं ये बकवास आपके सामने कर रहा हूं तो ये बातें खुलती क्यों नहीं है, स्कैंडल क्यों नहीं सामने आया, कोई औरत खड़ी क्यों नहीं हो गई? इसलिए कि पाकिस्तान में, अरब दुनिया में आपने कभी देखी है कि कोई औरत खड़ी हुई है? कभी सऊदी अरब में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, यूएई के अंदर, कतर में, बहरीन में औरत? वो स्कैंडल उनके उस वक्त खुलते हैं जब कोई इंग्लैंड में कुछ कर बैठते हैं, या इसे कहते हैं फ्रांस में कुछ कर बैठते हैं, या अमेरिका में कुछ कर बैठते हैं, या किसी गोरी के साथ उन्होंने कोई किया होता है जिसका स्कैंडल खुल जाता है। वहां जो कुछ करते हैं वो तो कभी सामने नहीं आया। कभी आपने दुबई की किसी अखबार में देखी कि इस किस्म की कहानी जो छपी हो किसी रॉयल्टी की? पाकिस्तान के भी उसी किस्म के हालात हैं, जिनको करना आता है वो ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, और इसी जुल्म के साथ, इसी टिरनी के साथ, इसी बेहसी के साथ वहां पर कर रहे हैं। अब जवाबी कार्रवाई होगी और कच्चे चक्कर खुलेंगे। अच्छा, फिर मजे की बात ये कहते हैं कि मैं एक वीडियो देख रहा था, वो लाहौर का दो तीन नए नए दानिश्वर बने, हबीब और मैं क्या नाम लूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि देखिए वो खान साहब के साथ तो बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि खान साहब ने तो कोई करप्शन की ही नहीं, उन पर तो कोई इल्जाम है ही नहीं। ऐसे बेशरम लोग मैंने आज तक नहीं देखे। देखें बरतानिया का मीडिया, जिस पर शौकत खानम से लेकर सब के हवाले से करप्शन की चीजें भरी पड़ी हैं, आज तक नहीं गए पलटकर सुन करने के लिए, अदालत नहीं गए कि हम पर झूठा इल्जाम लगाया है। वह आरिफ नकवी, ये के ई वाला जो अमेरिका की जेल में है, वो पूरा पूरा दो एक डेढ़ सौ की स्टोरी है कि कैसे चंदे वसूल किए जाते थे, कैसे गायब कर दिए जाते थे, और कैसे फंडिंग करार दिए जाते थे, और पीटीआई को कैसे डाल दिए जाते थे, सब मौजूद है। खान साहब ने कोई करप्शन नहीं, और खान साहब से बैठेंगे तो वो खान साहब के पास उनको, उन लोगों को खान साहब को देने को है क्या? और फिर फलाने ने भी डील की थी, फलाने की थी, तो देखें असल तो बात उन्हीं से होगी ना। माशा बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्हीं से बात होगी, वही देंगे वही लाते हैं, क्योंकि आप जैसे लालची लोग हैं, आप दानिश्वर कहलाते हैं, और आप भी यही मशवरा देते हैं कि बात तो उन्हीं से होगी, क्योंकि नवाज शरीफ ने बात उन्हीं से की थी, बेनजीर ने भी उन्हीं से एनआरओ लिया था। मगर क्या बेनजीर ने नवाज शरीफ के हवाले से आज तक किसी के पास कोई सबूत है? या कभी बेनजीर ने कहा कि मैंने एनआरओ लिया है, या एनआरओ की बातचीत हुई है, या किसी ने मुलाकात कराए, या नवाज शरीफ ने कहा? जरा ऐसी खबरें आती है ना, आपको डायरेक्ट कहते हैं हम उनके साथ ही बैठेंगे। मतलब आपने तो पर्दे ही शर्म ही खत्म कर दिए ना, जैसे कि इमरान खान से कोई भी शादी कर सकता है, किसी की बहन बेटी की शादी कर सकती है, फखर से बच्चियां बता रही हैं कि मैं तो चाहती हूँ मेरी अम्मी खान साहब से शादी कर लें, और मेरे अब्बू को भी क्या इतराज नहीं है, ये सब वीडियो आपने देखी होगी ना। तो ये पर्दा भी खत्म कर दिया कि उनसे मुलाकात करेंगे हम, तो उसके अलावा हम तो किसी के साथ बैठेंगे नहीं, और किसी और के पास तो कुछ देने को नहीं। खान साहब तो बिल्कुल पाक साफ आदमी है, और कहता है कि एक नून लीग ने मुझे कहा कि हम खान साहब के साथ एक ही शक्ल बैठेंगे, पहले खान साहब हमारी तरह करप्ट हो जाए, बराबरी की बुनियाद पर आ जाए, फिर एक जैसे हो जाए, फिर हम जैसी सियासत करें। मतलब अकल काम करती है, दिमाग आपका काम करता है कि आप किस तरह की बेहूदा बातें करते हैं, आप माशरे को क्या सिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। बहरहाल आखिर में चलते हुए ये बता दूं कि एक बहुत बड़ी तादाद बुशरा बीबी के अगेंस्ट और खास साहब की बहनों को फॉलो करते हैं, खासकर रजीमा खान को, और ओवरसीज पाकिस्तानियों की 99% तादाद बुशरा बीबी के खिलाफ है। और आपको याद होगा मैंने डेढ़ दो साल पहले वीडियो किया था कि खास साहब उनके दरमियान अलहदगी तो हो चुकी है, वक्त का इंतजार है। मैं आपसे पूरे यकीन से कह रहा हूं कि खास साहब के इंतहाई क्लोजेस्ट लोग ये बात कहते हैं, और अभी भी अपनी बात पे कायम कहते हैं, वक्त आजाद के साथ ये डिवोर्स होगी पार्टी की सिचुएशन देखते हुए। तो खातून एक धराया पूरा, अब वो बाहर आ गई है, मुझे नहीं पता कि उन पर नए मुकदमे बनेंगे नहीं बनेंगे, वो दोबारा नजरबंद होंगी या अंदर जाएंगी नहीं जाएंगी, क्या होगा। अगर वो बाहर नहीं तो वो लीड करने की कोशिश करेंगी, और पार्टी की फूट आप बहुत जल्द देखने जा रहे हैं कि वादे घड़े बंदी नजर आएगी। अभी तो वैसे अलग अलग ग्रुप है ना,
क्योंकि देखिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ ये पार्टी रहेगी क्योंकि टू पार्टी सिस्टम स्टैब्लिशमेंट को मजबूत है इसीलिए पार्टी बनाई थी मगर चुनाई गलत थी तो अब वो ये पार्टी जो लोग चलाएंगे ना मुझे उनके नाम भी पता है खासा नहीं होंगे अगले 3-4 साल में और खासा को जिस तरह से धोखा दिया है गंडापुर से लेकर सब ने खासा तो कहते हैं कि मेरे मंसूबों पर अमल करो जिन मंसूबों की मेरा संबंधन है और एहतजाज पर एहतजाज करो फिर एहतजाज की काल दे देंगे तरमीम के खिलाफ मुलजी तहरीकें चलेंगी कल वकला निकले थे कराची में भी सुना है कि इशारे फैसल वगैरह बंद कर दीजिए कुछ देर के लिए भाई इस मुल्क के अवाम अपने दुश्मन माशाल्लाह खुद हैं 12-1 बजे तक सोते हैं रात भर जागते हैं मजे लेते हैं क्लिप पे क्लिप देख रहे होते हैं रील पर रील देख रहे होते हैं सब पे हंस रहे होते हैं और इंजॉय कर रहे होते हैं ये किसी के साथ नहीं है कोई खान साहब के इश्क में दीवाना है मगर उसे ये नहीं पता है कि वो खान साहब देख आ सकते हैं या लेके आ सकते हैं कोई जरदारी के इश्क में है कोई मफाद का चक्कर है असल में MQM के भी चाहने वाले अभी भी मौजूद हैं और वो उनके काना में गिनवाते हैं आप यकीन करें इस शहर की धूल मट्टी अगर सिर्फ देख लेगा तो ऐसा लगता है कि हम किसी पुराने गांव देहात में बैठे हुए हैं। अच्छा एक बार ध्यान में रखें पाकिस्तान में सिंध में तो दो शहर है ना बुनियादी तौर पर हैदराबाद कराची सखर को भी मैं शहर नहीं मानता बाकी तो सब देहात है पंजाब में भी 3-3.5 शहर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा बाकी तो लुक सारा देहाती है ना तो इन सियासतदानों ने एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर जो इस मुल्क का हाल कर दिया है वो इमरान खान 3.5 साल अपने निकाल के देख लें क्या दिया दोबारा अल्लाह करें मैं तो कहता हूँ खैर आपको एक मौका पूरा मिलना चाहिए तो चीज़ें समझ में आएंगी अब फिर पता चलेगा इन युवतियों को ये दांतों मुंगली दबा के भागा करेंगे एक दूसरे से नजरें चुरा के छुपा करेंगे और शर्माया करेंगे हम जैसों से मिलके कि खासा इनका हशर क्या करेंगे। आने वाले दिनों में आपको बहुत जल्द अंदाजा हो जाएगा कि खासा अव्वल तो फौरी जेल से 1.5-2 साल अभी आते नहीं और अभी क्या करो तो खासा मुल्क में नहीं रहेंगे ये सारे लोग टूटे हुए हैं इक्का दुक्का के अलावा और बताने वाले मुझे बता चुके हैं कि खताब अफाक साहब यकीन रखें तहरीक इंसाफ भी रहेगी हम भी रहेंगे जो अभी हमें कहते हैं कि तुम्हारी क्या औकात है तुम तो साथ छोड़ गए थे बस खान साहब नहीं होंगे बाकी पूरी पार्टी होगी आज के लिए जा दीजिए इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी वो नहीं जानता करना पैंदा वो नहीं जानता करना जीवन दे ली मरना पैंदा खून की बीमारियों में मुब्तिला जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया आइए हम भी उनकी सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदर फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान ये अली है अली को थैलेसीमिया है आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा संदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है भी आप अपनी खैरात ज़कात और अतियात संदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।